बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप भी अपने घरों में ठीक होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे। तो चलिए आज अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि आज हम क्या बनाने लगे हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल विद रहीला किचन UK। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और साथ लगे घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, इसलिए कि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आप आज हम क्या बना, आज ईद स्पेशल आ रही है तो हम आज बनाएंगे दावतों पे पेश करने वाली, दावतों में कुकिंग करके रखने वाली भिंडी और गोश्त बनाते हैं। ये स्पेशल दावत के लिए है। ये कैसे हम बनाएंगे, मैं बनाना आपको बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाफ के जी मैंने भिंडियाँ ले ली हैं, तो जिनको मैंने काट के, तो ये मैंने इसके आगे से और पीछे से करके इसके अंदर से मैंने एक लंबा सा सिर्फ कट लगा लिया है। सब में ऐसे मैंने किए हैं। और ये मैंने 1 kg मीट ले लिया है, और मैंने 1 large ऑनियन लेके इसको मैंने चॉप कर लिया था, और 2 tablespoons मैंने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ले लिया है, और ये मैंने तीन तेज़ पात लिए हैं जिनको बे लीफ बोलते हैं, और ये मैंने सिनेमन स्टिक ली है, 2 मैंने बड़ी इलायची, 3 मैंने छोटी ले ली है, ये 4 tablespoons मैंने प्यूरी ली है, ये मैंने खुद घर ही बनाई थी, और 1 cup इसमें योगर्ट जाएगा, और ये ड्राई इंग्रेडिएंट हैं जो मेरे पास वो है, ये जीरा धनिया पाउडर मैंने लिया है 2 tablespoons, कश्मीरी चिली मैंने ली है 1 teaspoon, ये ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1 tablespoon, सॉल्ट मैंने लिया है 1 tablespoon, और ये मैंने रेड चिली है ये मैंने ली है 1 tablespoon, लेकिन बारीकी नहीं ली, मैंने काट के ली है, और ये मैंने हल्दी टर्मरिक पाउडर ये 1/2 teaspoon लिया है, और ये मैंने ली है ग्रीन चिली, ये 8 से 10 ग्रीन चिली मैंने ऐसे रख ली हैं, और 3 से 4 मैंने इस तरह चॉप काट ली हैं, और ये एक मैंने लेमन ले लिया है, और ये इसमें कोरिएंडर मैंने ये भी चॉप कर लिया है, और अब मैंने 1 cup ऑयल लेते हैं, तो चलिए 1/2 cup सॉरी मैंने ऑयल लिया है, आपकी जितना मर्जी आप ले सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट। ओके, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये जो ऑनियन है, और ऑनियन को मैं अच्छी तरह ब्राउन करके, तो देखा कितने मिनट होते हैं, साथ बताती भी रहूँगी और हम ब्राउन भी करते रहें। ये देखें मैंने 3 से 4 मिनट लगे हैं, तो ये इस तरह का ब्राउन हो चुका है, और इसके साथ ही मैं अब ये खड़े मसाले जो हैं ये भी डाल दूँगी, और इनको मैं 30 सेकंड के लिए इनको थोड़ा ऐसे करूँगी। तो ये मेरे पास बे लीफ जो था ये फ्रेश है, अगर आपके पास फ्रेश तो फ्रेश डाले, अगर दूसरे हैं ड्राई वाले तो वो भी डाल सकते हैं, और साथ ही मैं इसके अब मीट भी ऐड कर दूँगा। देखें 30 सेकंड हो चुके हैं, तब इसके अंदर हम मीट भी ऐड करते हैं। और 1 मिनट तक उसका मैंने कलर चेंज किया है, और साथ ही मैं इसमें ये गार्लिक और इसका पेस्ट भी डाल दूँगी, और गार्लिक 1 मिनट के बाद ये मैं जितने ड्राई मसाले थे ये भी डाल दूँगी, और साथ ही प्यूरी भी डाल दूँगी, और ग्रीन चिली भी डाल दूँगी, और ये 1/2 cup मैंने योगर्ट लिया था ये भी डाल दूँगी, और बस हमने क्या करना है, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मैं अब इसको सारे मसाले डाल के अच्छी तरह मिक्स किया है, और इसके अंदर मैं 1/2 cup पानी डाल दूँगी, और आप पानी अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि इसके अंदर हमें शोरबा नहीं चाहिए, हमें इसके अंदर भुनाई करनी, हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए, और मैंने तो इधर लैम लिया है, आपका जो दिल करे बीफ लें, चिकन लें, जो आपका लेना लें, लेकिन मैं प्रेशर में इसको गलाने लगी हूँ, इसको अब मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी, और 20 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ये मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, प्रेशर मैंने बंद कर दिया, अब जब ये विसल इसकी चलनी शुरू होगी तब से हम इसका टाइम जो हो वो स्टार्ट करेंगे। तो माशाल्लाह देखें इस तरह का हमें चाहिए, देखें कितनी पाई तरी भी ऊपर आ चुकी है, और पानी भी इसमें कम से कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप ही अपने हिसाब से पानी डालें, क्योंकि हमें इसके अंदर पानी नहीं चाहिए। तो चलिए फिर अब हम अपनी जो भिंडी है लेडी फिंगर हम उसको फ्राई करते हैं, तो उसको फ्राई करने के लिए मैंने पैन ले लिया है, और इसके अंदर मैंने 2 tablespoons ऑयल डाला है, और ये गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं भिंडियाँ डालने लगी, और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और यार जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसके अंदर में होती है ये स्टिकी बहुत ज़रा सी होती है, तो ये जिसको हम बोलते हैं तो वो निकलती है, और वो उसको ख़त्म करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने उसके लिए लेमन जूस लिया था। लेमन जूस आप कभी भी नॉर्मल से जब आप कुकिंग करते हैं तो उसमें भी डालें, तो इन शाला ये बहुत जल्दी जो है वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये देखें जिसके अंदर लेस थी वो ख़त्म हो चुकी है, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं इसको वो ख़त्म होने के लिए,
और साथ ही ये मेरे पास रेड चिली और ये सॉल्ट है, रेड चिली मैंने लिया फिर 1 टीस्पून और सॉल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून, तो ये भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मैं 1 मिनट के लिए मिक्स करके तो फिर मैं आपसे तो देखें ये 1 मिनट हो चुका है। ये मैंने मीडियम से लो फ्लेम पे आके तो मैंने इसके अंदर वो जो मिर्चे थे और ये मैंने मिक्स किया था, तो मैं अब मीडियम से ऑफ करती हूँ और ये भिंडियाँ जो थी वो मैं इसके अंदर डालने लगी। और साथ ही ये ग्रीन चिली थी ये भी मैं डाल दूँगी और साथ ही ये मेरे पास धनिया कुटा हुआ वो भी डाल दूँगी और साथ ही मेरे पास ये 1 टीस्पून मैंने लिया था गरम मसाला और ये भी डाल दूँगी और अब इसको हम मिक्स करते हैं। मिक्स करके हम इसको दम पे लगाएंगे 5 मिनट के लिए और मैंने इसको मटन और भिंडी को मैंने आप दम पे लगा दिया है तकरीबन 5 मिनट के, बिल्कुल नीचे से फ्लेम जो था मेरा वो बिल्कुल लो है, ना हाई है ना मीडियम है। ओके ये माशाल्लाह डन हो चुका है तो अब मैं इसको नीचे उतारने लगी हूँ और मैं डिश आउट करती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह देखें ये मैंने मटन और भिंडी मैंने रेडी कर ली है, तो आप भी बनाएं खाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसकी टेस्ट आएगी, आप वाकया ही बोलेंगे कुछ हमने बनाया है। तो अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं ये मैंने दावतों वाला बनाया है बिल्कुल स्पेशली, तो आप खाएंगे तो वाकई आप बोलेंगे कि हमने कुछ खाया है। तो अल्लाह ताला सुबहाना ताला ने बहुत कुछ हम सबको नवाजा है, तो हम जितनी चीज़ें खाएं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हमारे लिए उतना ही कम है। तो ये आप भी बनाएं खाएं और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि ये आपको कैसी लगी हैं। तो ओके ओके मैं चलती हूँ, मैं फिर एक बहुत ज़बरदस्ती और अच्छी रेसिपी के साथ मैं फिर वापस आऊँगी। तो ओके अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।